resurrection unto Christ and his principles in our own lives. प्यारे प्यारे लोगों, इसका मूल कारण यही है, हम अभी तक समर्पण नहीं किया। समर्पण करके मसीह यीशु की मारे हम अधिकता की ये व्यक्ति नहीं किया, इस कारण वो अधिकार जैसे हम प्राप्त करना है, वो अभिषेक हमसे जैसा बहना है बहना नहीं पाते। Many a time we see that even in our family lives or in our individual lives, we are weak, we cannot take authority over circumstances, we cannot rebuke the enemy over, you know, when he prevails over us many a time, because we have not lived a life of subjection to Christ, even as the Word of God says. Yaha Parmeshwar ki vachan kehta hai, is prakar hum apne jeevan mein Masih Yeshu ki adheenta mein nahi rehta hai, इस कारण जब हमारे जीवन के सामने एक समस्या आकर हमको हमारे लिए संघर्ष करता है या शत्रुओं ने आकर हमारे सामना करते रहता है, उसको हम उस अधीनता की जीवन के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक पाकर परमेश्वर के अधिकार से उसको डांट कर उसको भगा नहीं पाते। रीजन इज, और उसका कारण, ऑफन वी डू नॉट लिव ए लाइफ ऑफ सब्जेक्शन, क्योंकि हमें बार बार हम अपने जीवन में अधीनता की जीवन व्यतीत नहीं। Often we do not really submit ourselves to God's revealed will and God's pattern, God's authority in our own lives. हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ उसका इच्छा, परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ उसके नमूना, परमेश्वर को बताया हुआ उस मार्ग के अनुसार हम अधिक होकर नहीं रहते हैं, इस बार हम दुर्बल रहते हैं। Word of God says in the book of Philippians very clearly, therefore God also exalted Jesus. The Lord Jesus was not exalted because of his position which was with God before he came into the world. और ये फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 9वें पद में ये लिखा है, इस कारण, किस कारण यीशु मसीह इस धरती के आने के पूर्व वो ईश्वर की तुल्यता उस कारण से नहीं है प्यारे हो, परंतु इस धरती पर आने के अवसर पर आपने आपको अधीन किया है, उस अधीनता की जीवन व्यतीत किया है, अपने आप को आज्ञाकारी रहा है, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा है, इस कारण प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया, उसके नाम सर्वश्रेष्ठ किया है कि हर एक जवान खड़ा करे, हर एक घुटना टेके, मानी यीशु ही प्रभु है। Oh, beloved people of God, और परमेश्वर के प्रिय लोग, there is no other way for even me. और कोई दूसरा रास्ता मेरे, there is, do not search for another way. और इस कारण दूसरे मार्ग के लिए बोझ मत करो। Oh, we may like Jacob desire to and aspire to be in place of authority or place of ascendancy over something or someone, and we want to be in prominence, but I want to tell you that God cannot allow us, but God will take us through many years of life of subjection and then bring us to the place of authority. हो सकता है हमारे हृदय की आकांक्षा या कामना ऐसा हो, हम शीघ्र ही अधिकार प्राप्त करें या शीघ्र ही उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे, हम याकूब की जीवन से याकूब की माने ऐसा कामना रख सकते हो, परंतु यदि हम परमेश्वर की इस नियम की अधीन में समर्पण करके अधीन में रहने के लिए हम अपना जीवन समर्पण नहीं किया है, तो प्यारे लोगों, याकूब की जीवन में परमेश्वर ने अपने असीम करुणा और दया से कार्य करते हुए 20 वर्ष तक और उसका लंबा 20 वर्ष समय तक वो दूसरे के अधीन में रहकर इस दीनता की जीवन सिखाया। और परमेश्वर के प्रिय, let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल, if Jesus Christ as the head of the church had to live a life of subjection and then have authority, how can you and I have another way for our lives? जो प्यारे लोगों, जो मसीह यीशु है, जो कलीसिया का सिर है, yes, वे इस अधिकार जो है, इस महानता जो है, और ये अधीनता की जीवन के द्वारा, अधीनता की जीवन के द्वारा प्राप्त किया है, तो उसका खलीसिया भी उसी दूसरी इस मार्ग को छोड़कर, इस नियम का छोड़कर, इस उपाय को छोड़कर हम उसी दूसरा रास्ता से इस अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। Right. Now let me ask you one question. Let's move on with these thoughts upon our hearts. जो इस विचार के साथ हम आगे बढ़े और एक सवाल पूछे। Now, we see that God created man and woman, male and female.
husband and wife. जब हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को स्त्री नर और नारी करकर सृष्टि किया, पुरुष और स्त्री के रूप में सृष्टि किया और पति पत्नी के रूप में इसको मिला. Now listen carefully, all of us. याद से सुनिए प्यारे लोग. And if you can look up this side, look up. और यदि आप इस तरफ देखना चाहते हैं तो देखिए. Yeah. Now here is the man and here is the woman. इधर एक पुरुष खड़ा है, आप कल्पना करिए, इधर एक स्त्री खड़ी है. Now whom does this man represent? और ये जो पुरुष जो है वो किसको दर्शाता है? What else? और किसको दर्शाता है? और किसको? और क्या दर्शाता? और क्या दर्शाता? Authority. Better pictures. Better. Here is a man, and he represents Christ. What else? वो एक पुरुष है, वो मसीह को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है. और क्या किसको दर्शाता है? और क्या दर्शाता है? किसको? और क्या दर्शाता है? You see, very cleverly we really missed out what is the important point. You know what is that? Subjection. We said authority. He stands for authority after having shared about the submission of Jesus for half an hour with the top of our voice. We only said he represents what? Authority. See the subtlety of the force. और देखिए हमारे शारीरिकता की और चतुराई देखिए, दूरता देखिए. हम आधा घंटा तक परमेश्वर के वचन से मसीह यीशु की अधीनता की जीवन पर अध्ययन किया. मसीह यीशु उस मनुष्य किसके लिए दर्शाता है कहने से हम एकदम बोलने का अधिकार, ये भी का अधीनता की जीवन. ओह, वी सी दैट मैन रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट. और पहले वो मसीह यीशु को दर्शाता है. व्हाट एल्स? He represents there the humility or subjection of the Lord Jesus Christ. और वो जो है मसीह यीशु का और दीनता और अधीनता की स्वभाव को दर्शाता है. And then what else? और उसके बाद नहीं क्या? Surely he represents the authority of Jesus Christ. तीसरा जो है परमेश्वर के अधिकार को मसीह यीशु के. But what is the way to authority? It is the way of subjection. अधिकार को पहुंचाने का रास्ता कौन सा है? It's the way of subjection. और वो है अधीनता की रास्ता. That is the way of subjection. और वही है अधीनता की रास्ता. So we see. Now listen, brothers who are husbands and brothers. और जो भाई लोग हैं, जो पुरुष पति लोग हैं, ध्यान से सुनिए. You know whom do we represent? Now let us answer this question. हम किसको दर्शाते हैं? Whom do we represent? हम किसको दर्शाते हैं? Tell me, brothers, come on, let us confess that. Only authority. किसको दर्शाते हैं? Only authority. We represent first of all Christ. पहले हम मसीह को दर्शाते हैं. You feel ashamed of that, isn't it? Tell me, let us be very frank. Don't we feel ashamed? We as men, when God created the first man, that which was upon the heart of God was Christ. जो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, जो सर्वप्रथम परमेश्वर की योजना के अनुसार मनुष्यों के जीवन में यही उद्देश्य था क्या मसीह को वो प्रदर्शित करें या दर्शाएं. Man represented something which is heavenly. He represents something which is holy, something which is born out of the heart of God Himself. जो मनुष्य ने किसको दर्शाता है? जो एक स्वर्गीय बात को, स्वर्गीय जीवन को दर्शाता है, एक पवित्रता को दर्शाता है, जो परमेश्वर के हृदय से सनातन काल में ही था उसको दर्शाता है. So we brothers, we husbands, we represent Christ, we represent his subjection, we represent also his authority. प्यारे लोगों, हम मसीह को दर्शाते हैं. प्रिय भाइयों, पति लोग मसीह को दर्शाता है, मसीह यीशु की अधीनता की जीवन को दर्शाता है, तीसरा उसके अधिकार को भी दर्शाता है. Now we can really examine how much of these we reflect in our own individual lives. हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसको किस प्रकार हम प्रकट करते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को हम परख सकते हैं. Let us not take it lightly, beloved people of God. और प्यारे लोगों, इसको हल्का ना समझें. परिवार में मसीह यीशु की जीवन की बढ़ोतरी छात्र है तो if you want to have increase of Christ in your own individual life, आपका व्यक्तिगत जीवन में
मसीह यीशु की जीवन की बढ़ोतरी तू आप चाहते हैं you desire to see an increase of Christ in the house of God because of you we need to take on this responsibility we need to examine we need to really be those who will really be convicted of this truth and will turn to God with all our heart यदि हमारे कारण मसीह का देख और कलीसिया के लिए और मसीह की ये काम की उन्नति के लिए कारण होना चाहता है तो इस समस्या पर हम प्रत्येक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा इस बातों के द्वारा हमारे हृदय को निरुत्तर करने के अवसर पर अपना हृदय को नम्र और दीन करके इकरार करते हुए उस जो ज्योति परमेश्वर के वचन से मिलता है उसके लिए समर्पण करना है इस अधीनता की जीवन प्रकट होने के लिए अपने जीवन समर्पण करते हुए यू नॉट वांट टू हैव एनी इंक्रीज ऑफ क्राइस्ट यदि इज वेरी सिंपल लिव द वे यू आर लिविंग नाउ और यदि आप मसीह जीवन को प्रकट करना नहीं चाहते हो तो बहुत सरल बात जो है जिस प्रकार आप अभी तक जीवित रहते हैं ऐसे जीवित रहो चॉइस फॉर अस आप हमारे सामने एक चुनौती है लेट मी आस्क अस सिस्टर्स और बहन लोग आपके आपसे एक सवाल रखता हूं हु डज द वुमन रिप्रेजेंट और एक पत्नी किसको दर्शाती है एक स्त्री किसको दर्शाती है चर्च कलीसिया और Come on. Subjection is or adhinta. Then what else? Exactly. Does the church have authority? So women also got authority. Don't worry. Adhinta. Maybe your husband said you have no authority. You have. Or हो सकता है आपके पति. The husband says you have no authority. Then the husband will have to accept the church has got no authority. यदि आपका पति के आपको कोई अधिकार नहीं कहते और यदि उसके पति के पति साहब जो है वो सही विश्वास में नहीं है वो ये भी कह सकता है तो कली से बिल्कुल इंकार नहीं या वी सी दैट वुमन देयर रिप्रेजेंट समथिंग व्हिच इज हेवनली समथिंग व्हिच इज बोर्न ऑफ गॉड समथिंग व्हिच इज होली एंड सेक्रेड एज फार एज गॉड इज कंसर्न्ड और प्यारे लोगों एक स्त्री भी जो स्वर्गीय है जो सच्चाई है जो पवित्र है जो परमेश्वर हृदय से जन्माया है परमेश्वर हृदय में थे You know, many a time we see that sisters find the word submission to be a very hard word for their lives. और कई बार जो हमारे प्रिय बालक जो है अधीनता के शब्द अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए कठिन लगती है. The reason is that often we have not understood what is the meaning of submission, what is the place of the church before Christ. और क्योंकि इसका कारण यही हो सकता है. या तो अधीनता के शब्द को सही अर्थ नहीं समझा या मसीह यीशु आने के पूर्व कलीसिया की स्तर या कलीसिया की जगह क्या थे हम उस बात को नहीं देखा या वी आर नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट आवर कॉलिंग योर कॉलिंग यू नो इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज टू रिप्रेजेंट द चर्च और जो मसीह का देह है परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है That is your calling. Or what? As a woman, your calling is to represent the church. Or आप एक स्त्री के रूप में सृष्टि किया गया परमेश्वर परमेश्वर के द्वारा आप कलीसिया को दर्शाना है. And not only that, you will represent Christ, but you will represent the church, but also her subjection and a life of authority also. और प्यारे लोगों और केवल कलीसिया को नहीं जिस प्रकार कलीसिया मसीह यीशु के अधीन में रहना है yeah. उस अधीनता की जीवन को भी आप दर्शाना है तथा उसके बाद परमेश्वर ने जो कलीसिया के लिए जो अधिकार दिया है उस अधिकार को भी दर्शाना है Now let me ask the sisters one question. और दोनों से एक सवाल पूछो. Why should you be submitted to your husbands? क्यों? What is the basis for that kind of life? क्यों प्रिय बहनों आप क्यों अपने पति को अधीन होने के लिए समर्पण करना है wow. उसकी आधार क्या है उसका मूल उद्देश्य क्या है yeah. क्यों बताइए सिस्टर्स बताइए नॉट ब्रदर्स व्हाई व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट और उसका मूल आधार क्या है Why should sisters be
submitted to their husbands. Yes, ma'am. Yeah, we see that a woman has to, every time when a woman has to submit to her husband, she always remembers she is doing that, not because he is very taller than her, but because that she is representing Christ, and she is representing the church, and he represents the Christ, the head of the church, and even as the church has to be submitted to Christ, even so I as a woman, representing the church, I need to be submitted to my husband. And if sisters can get it into the core of their heart, the problem is over. Yes. कलीसिया जिस प्रकार अपने दूल्हा या अपना सिर मसीह यीशु की अधीनता में रहना है, उस अधीनता की जीवन को आप अपने जीवन का अधीन होने के अधीन होने के द्वारा we can really examine our lives and see how Christ-like it is in our own families. जो हम अपने जीवन को परखने के बाद में हमारे हमारे परिवार में जांचें मसीह यीशु की जीवन हमारे परिवार के भीतर कैसा बढ़ता है। Oh beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, this cannot be ruled out in our lives. हमारे जीवन से इसको दूर फेंक नहीं सकता। We cannot really get rid of this principle in our lives. इस परमेश्वर की सिद्धांत या नियम को हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकता। You and I may be in God's work sometimes. हो सकता है मैं और आप प्रभु की सेवा में परमेश्वर की सेवा में। We may be busy with the things of God in our lives. हमारे जीवन में Or we may be actively involved in the things of God. But the question is that how much are we living a life of subjection to Christ in our lives, in our family lives? हम हमारे जीवन के द्वारा मसीह यीशु की अधीनता की जीवन हमारे परिवार में किस प्रकार प्रकट करते हैं। Today there are lots of rubbish psychological philosophical principles that people drag into family lives. और इन दिनों के अंदर कई प्रकार की और दर्शन शास्त्र की और कचरा और या मनोविज्ञान शास्त्र की कचरा की सिद्धांतों को परिवार के भीतर ले आकर परिवार को तितर बितर करता है। I want to tell you, beloved, let's throw away all that rubbish. It does not belong to a true believer. और प्यारे लोगों, उस सारे सिद्धांतों को, सारे बातों को कचरा कुंडी में दूर फेंकना। The whole world is in disorder today. क्योंकि सारे जो धरती जो सारे विश्व विश्व जो है वो बेढोल है। All that man calls order disorder before this heavenly order. प्यारे लोगों, जो मनुष्य यही सही नियम बोलता है वह सब परमेश्वर की स्वर्गीय नियम के सामने वह सब अनियमितता है, सब गफलत है, कब बेडोल है। Oh, the natural man is ruled out in the house of God. परमेश्वर की घर में और प्राकृतिक मनुष्य का जगह है नहीं। His philosophy is ruled out in the house of God. और उसका दर्शन शास्त्र परमेश्वर की घर में है नहीं। The world is ruled out in the house of God. संसार की नियम का परमेश्वर की भाव में कोई जगह है।
In His shining glory, we see the